बच्चों, आज हम आपको हेलो एलकेएन चैप्टर पढ़ाएंगे। कौन सा चैप्टर? हेलो एलकेएन और हेलो एलकेएन के बारे में बताएंगे। पहले हम ये जान लेते हैं कि हेलो एलकेएन है क्या, या हेलो एलकेएन है क्या। इनके परिचय के इंट्रोडक्शन में क्या बोल रहे थे कि हेलो एलकेएन क्या था या हेलो एलकेएन। जैसे चैप्टर कोई पढ़ते हैं तो चैप्टर का नाम का अर्थ जानना जरूरी होता है। तो ये होंगे जो हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणुओं के हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा विस्थापित होते हैं, हाइड्रोजन परमाणुओं के हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा विस्थापित करने से प्राप्त होते हैं उन्हें हम हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन यौगिक कहते हैं या हाइड्रोजन के व्युत्पन्न कहते हैं। जैसे अभी कोई है हाइड्रोकार्बन आर्यन है अब ये हाइड्रोजन के द्वारा मान लो कोई हाइड्रोजन के द्वारा के हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन के द्वारा विस्थापित हो जाए, हाइड्रोजन छूट जाए या हाइड्रोजन विस्थापित हो जाए तो आर एच बन जाए। अब देख रहे हैं ये क्या है, ये हेलो एल्केन होगा या हेलो हेलो एल्कीन होगा। ये डिपेंड करेगा कि किस प्रकार का एल्किल ग्रुप है। अगर एरोमेटिक एल्किल समूह है तो ये क्या होगा, हेलोएलिन होगा। अगर एरोमेटिक है तो ये क्या होगा, तो ये क्या होगा, ये हेलो एल्केन। तो दो प्रकार के हेलो व्युत्पन्न होते हैं, एक हेलो एलिफेटिक हाइड्रोजन के हेलोजन व्युत्पन्न या हेलो एल्केन होते हैं। ये होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हेलोजन व्युत्पन्न होते हैं वो हेलो एलिन या फिर एलिन होते हैं। तो हम आज स्टडी करेंगे इसके बारे में, हेलो एल्केन के बारे में डीप में स्टडी करेंगे। हेलो एल्केन या इसको हम कहते हैं हेलो एल्केन या एल्केन हैलाइड या इसको क्या कहते हैं एल्केन हैलाइड। तो एल्केन हैलाइड है क्या, इसके बारे में हम जानकारी करेंगे। उनकी परिभाषा क्या है, उसके बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी करेंगे। तो हाइड्रोजन व्युत्पन्न हाइड्रोजन के उत्पन्न जिनमें मूल कार्बन हाइड्रोजन के उत्पन्न जिसमें मूल हाइड्रोकार्बन जिनमें मूल हाइड्रोकार्बन जिनमें मूल हाइड्रोकार्बन एल्केन होती है, एल्केन होती है मूल कार्बन एल्केन होती है हेलो एल्केन, हेलो हेलो एल्केन कहलाते हैं। तो हेलोजन कैसे बनता है, हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोकार्बन है आर्यन हाइड्रोकार्बन है, इसमें से क्या होता है, एक हाइड्रोजन निकल जाए और एक हाइड्रोजन आकर के जुड़ जाए तो इसे हेलोजन बनता है। यहाँ पर आर क्या होना चाहिए, आर के लिए क्या होना चाहिए बच्चों, ये होना चाहिए यहाँ पर जब क्या होगा, क्या होगा पीएन हो या हो आरी हो, अगर ये सभी हैं तो ये क्या होंगे हेलो एल्केन। अगर ये सभी अगर होंगे क्या होंगे हेलो एल्केन। तो जो क्या हेलो एल्केन की परिभाषा, क्या हो जाएगा
ये तीसरे शेयर क्या है? ये हेलो एलकेन, क्या है? हेलो एलकेन। अभी एक और पैटर्न कहाँ सीखा आपने? एक और सीखा क्या हो सकता है? पी एच टू शेयर किया यहाँ पर क्या हो जाएगा? पी एच टू शेयर किया हो जाएगा। तो ये तरह के बच्चों ये हेलो एलकेन का उदाहरण क्या हो जाएगा? हेलो एलकेन का ये उदाहरण हो जाएगा। फिर इसके बाद में हेलो एलकेन का वर्गीकरण का वर्गीकरण करते हैं। जैसे देखिए हेलो एल्केन का वर्गीकरण दो तरह से करते हैं। हेलो एल्केनों का वर्गीकरण दो तरह से हम वर्गीकरण करते हैं। पहला है हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर तो हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हम इसका वर्गीकरण करेंगे। हेलोजन का वर्गीकरण बच्चों करते हैं। तो हेलोजन परमाणुओं की संख्या मतलब जैसे मोनोहेलोजन, अगर एक हेलोजन संख्या हेलोजन संख्या अगर एक है तो क्या होगा? मोनोहेलोजन होगा। हेलोजन संख्या अगर दो है तो डाइहेलोजन होगा। हेलोजन संख्या अगर तीन है तो ट्राइहेलोजन होगा। तो ये हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हम उनका वर्गीकरण करते हैं। तो जैसे पहला है जैसे मोनो हेलो एल्केन मतलब होता है हाइड्रोजन की संख्या क्या हो जाए? अगर एक है तो मोनो हेलो एल्केन होगा। जैसे इसमें क्या है? मोनो हेलो एल्केन मतलब जिसमें हाइड्रोजन की संख्या एक हो उसका मतलब क्या होगा? सी एन यक्ष टू एन वन एन क्या हो जाएगा? वन यक्ष हो जाएगा। ये मोनो हेलो एल्केन। तो दूसरा है डाई हेलोजन। दूसरा क्या है बच्चों? डाई हेलोजन मतलब हेलोजन की संख्या कितनी होनी चाहिए? हेलोजन की संख्या दो हो जाती है। जैसे कि सीएन टू है तो ये डाई हेलोजन होगा। क्या होगा? डाई हेलोजन। पहला क्या होगा? इसके बाद है बच्चों ट्राई हेलो एल्केन। क्या है ट्राई हेलो एल्केन मतलब हेलो एल्केन की संख्या कितनी होगा? तीन होगा। ट्राई हेलो एल्केन मतलब हेलो एल्केन की संख्या कितनी होगा? तीन है। थर्ड है ट्राई हेलो एल्केन तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? सीएम यस टू एम माइनस वन एम चेन है इसका फॉर्मूला। ऐसे तीसरा हेलो एल्केन मतलब जैसे CH4 CI4 इस तरह से ये दूसरा हेलो एल्केन हो जाएंगे। दूसरे हेलोजन की संख्या कितनी था? तीन है। पांचवा पॉली हेलो एल्केन मतलब चार के अगर ऊपर जो है हेलोजन की संख्या जिसे बोलते हैं पॉली हेलो एल्केन बोलते हैं। तो इस तरह से ये हो गया हेलो एल्केन का वर्गीकरण किसके आधार पर? हेलोजन परमाणुओं के आधार पर ये वर्गीकरण हो गया। आगे देखते हैं दूसरा है
हाइड्रोजन परमाणुओं की प्रकार के हाइड्रोजन दूसरा है हाइड्रोजन परमाणु युक्त परमाणु कार्बन हाइड्रोजन परमाणु युक्त कार्बन की प्रकृति के आधार पर प्रकृति के आधार पर प्रकृति के आधार पर उसका क्या होगा। तो बच्चों के तीन प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं बच्चों की तीन प्रकार के होते हैं, एक प्राथमिक होता है, एक द्वितीयक होता है, एक तृतीयक होता है और एक द्वितीयक होता है। इस तीन प्रकार का होता है, प्राथमिक होगा, द्वितीयक होगा और तृतीयक हेलो एल्केन होते हैं। प्राथमिक स्तर इस तरह से अगर है, इस तरह से अगर है तो ये प्राथमिक होगा, क्या होगा बच्चों ये प्राथमिक प्राथमिक तो बोलते हैं 1 डिग्री हेलो एल्केन, क्या बोलते हैं 1 डिग्री हेलो एल्केन। 1 डिग्री में क्या होगा, एक डिग्री कार्बन से वो जुड़े होते हैं हेलो एल्केन। दूसरा है द्वितीय हेलो एल्केन, द्वितीय हेलो एल्केन, द्वितीय हेलो एल्केन। ये हेलो एल्केन मतलब 2 डिग्री होता है, 2 डिग्री मतलब इस तरह से देखिए, इस तरह का जो होगा वो क्या होगा बच्चों द्वितीय होगा, इस तरह का जो होगा वो क्या होगा बच्चों द्वितीय हेलो एल्केन। अभी यहाँ इसका उदाहरण क्या देते हैं कि CH3Cl का, अब इसका उदाहरण क्या हो जाएगा बच्चों, इसका उदाहरण जैसे द्वितीय कम यहाँ पे देते हैं द्वितीय कर चुके यहाँ पे द्वितीय ठीक है, द्वितीय फैलो के जाएंगे द्वितीय फैलो सेकेंडरी यहाँ पे द्वितीय द्वितीय फैलो के इस प्रकार से द्वितीय फैलो के इसको किस तरह से सिखाएंगे, कैसे आप देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दिया, ये क्या है तृतीय है तृतीय हेलोजन, तो ये क्या है तृतीय हेलोजन। यहाँ पर एक कार्बन से तीन तीन एल्केन ग्रुप लगाते हैं और एक हैलोजन, तो इस प्रकार की जो हैलोजन होते हैं उसे क्या बोलते हैं द्वितीय हैलोजन। अब इसका उदाहरण क्या होगा मान लेते हैं कि इसका उदाहरण ये इस तरह ये यहाँ पर ये तृतीय हैलोजन होगा, कैसा होगा तृतीय हैलोजन होगा, ये तृतीय हैलोजन। तो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री इस तरह से हेलो एल्केन का ही वर्गीकरण है। अगले वीडियो में हम आपको मोनो हेलो एल्केन के उत्पत्ति के बारे में स्टडी करेंगे।